हम लोग पढ़ते हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उपसौर, अपसौर, पृथ्वी गुलाब है, ये इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की देखिए दो प्रकार की गतियाँ हैं। एक गति तो हमने समझ लिया था पीछे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर लगाती है, माने सूर्य क्या करती है, उनका चक्कर पूरा लगाती है। लेकिन पृथ्वी की दो गति लिखिएगा, हेड डालिएगा, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहला रोटेशन, पहला रोटेशन जिसे कहते हैं परिभ्रमण, परिभ्रमण। दूसरा रिवॉल्यूशन, इसको कहते हैं परिक्रमण, यह है पहला, यह है दूसरा। ठीक, ये दो गतियां हो गई। अब पहले ही डालिएगा रोटेशन, परिभ्रमण, पहले ही डालेंगे रोटेशन परिभ्रमण। इसमें लिखिएगा पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के चारों तरफ, अपनी धुरी के चारों ओर, पृथ्वी द्वारा अपने धुरी के चारों ओर वृत्ताकार की गति परिभ्रमण कहलाती है। अपनी धुरी पर घूमने के कारण इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। अपनी धुरी पर घूमने के कारण इसे घूर्णन गति भी कहते हैं, इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। अपनी दूरी पर घूमने के कारण इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। ठीक, और आगे लिखिएगा, यह अपनी धुरी पर, या माने पृथ्वी अपनी धुरी पर, या काट दीजिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। जो लगभग एक दिन कोष्टक में 24 घंटे के बराबर होता है। एक दिन कोष्टक में लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। क्या देखा हम लोगों ने, देखिए यह पृथ्वी है, ये अपने धुरी पर क्या करती है, चक्कर लगाती है, वृत्ताकार गति करते हुए क्या करती है, ये चक्कर लगाती है। ये पूरा एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, जिसे हम 24 घंटे का एक दिन कहते हैं। लगभग क्या कहते हैं, 24 घंटा, लेकिन वास्तव में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है, इसे हम एक दिन लगभग 24 घंटा कहते हैं। 24 घंटे पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसे ही हम कहते हैं दैनिक गति। दैनिक गति क्यों कहते हैं, एक दिन में घूमती है, इसे घूर्णन गति भी कहते हैं, क्योंकि अपनी धुरी पर घूमना क्या कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं। इसे तीन नाम से जानते हैं, परिभ्रमण, घूर्णन गति और दैनिक गति। समझ में आ गया, अब नीचे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा,
परिभ्रमण के प्रभाव इफेक्ट ऑफ रोटेशन, परिभ्रमण के प्रभाव। अब नंबर नहीं डालिएगा, पहला लिखेगा इसमें, पहला परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होता है। समझ लीजिएगा, सूर्य स्थिर है, सूर्य अपने चमक रहा है, तो पृथ्वी अपने दैनिक गति परिभ्रमण या घूर्णन के कारण ही दिन रात सूर्य चमक रहा है। जिस स्थान पर प्रकाश पड़ता है वहां पे दिन होता है, उसके ठीक पीछे वाली स्थिति जहां से दिन और रात अलग होता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जहां से दिन और रात, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता था इससे दिन होता है, इससे पे रात, तो इसी गति के कारण ही दिन रात होता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, यहाँ चक्कर लगाते पहुंचा, यहाँ पे सूर्योदय हुआ, फिर और आगे बढ़ा, देख रहे हैं सूर्योदय के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर सूर्य सीधा चमका, दोपहर हुआ, फिर संजा हुआ, फिर देर देर अंधेरा, क्योंकि यह हिस्सा यहाँ जा रहा है और सूर्य के सामने आता रहा, जो जो सूर्य सीधे सामने आ रहा है उस हिसाब से दिन बढ़ता जा रहा है, फिर रात, फिर वो हिस्सा जब यहाँ रात हो रहा है तो हिस्सा तब तक सामने आ गया, इसी वजह से दिन और रात होता है। अगला पॉइंट, सेकंड, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही, दैनिक गति माने परिभ्रमण, अपरिभ्रमण माने घूर्णन, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह पर कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कोरियालिस बल क्या है। हाँ, पहले एक चीज आप बता दे तब कोरियालिस बल बताते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर लगाती है, किधर से, कैसे पता, इसको भी हम समझने के प्रयास कर कैसे घूमती है, तब कोरियालिस बल समझाते हैं। जैसे आप लोग बस ट्रेन में बैठे हैं, कई बार बैठे हैं, तो कभी बाहर देखे हैं, पेड़ की तरफ देखे, पेड़ किधर भागते हैं, आगे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में चलता कौन है, ट्रेन में आप चलते हैं, कि लगता है कि पेड़ भाग रहा है, खंभा पीछे भाग रहा है, साइकिल वाला पीछे भाग रहा है। इसी तरह सूर्य स्थिर है और हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं और ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम जा रहा है, लेकिन वास्तव में चलता कौन है, ट्रेन की भांति। पेड़ कैसे रहता है, सूर्य मतलब पेड़ खड़ा है और लगता है पेड़ पीछे भाग रहा है, और पेड़ उसी तरह सूर्य पश्चिम से पूर्व जाता है, हमें ऐसा लगता है कि भैया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जाता है और सूर्य खड़ा है, तो ऐसे लगता है सूर्योदय पूर्व में हुआ पश्चिम में, वास्तव में चलता कौन है, पृथ्वी चलती है, हम चलते हैं, आप चलते हैं, लेकिन लगता है कि रोज सूर्य पूर्व में निकलता है पश्चिम में जाता है, ऐसा नहीं होता, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी चक्कर लगाती है जिस कारण सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आए, सेम कॉन्सेप्ट है। अब कोरियालिस बल काम क्या, लिख लीजिए, समझा रहे हैं, आओ लिख लीजिए, जो कि हवाओं को अथवा वस्तुओं को, हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में, हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को बाई तरफ मोड़ देता है, इसको देख लीजिए, कोई हवा चली यहां से इधर की तरफ, यह हवा कहां चली, आती वास्तव में यहां, ठीक, लेकिन जब तक यहां से यहां आती ये वेट थोड़ी करेगी, ये आप लोग के साथ सहेली नहीं है कि आप आएंगे तब डायरेक्ट खड़े हैं तब चलते हैं डायरेक्ट में साथ में तब चलते हैं कोचिंग, ये ऐसा नहीं है कि ये इसका इंतजार करेगी आप लोग की तरह, ये कहेगी तुम चल मैं आती हूँ, ठीक, तब तक ये स्थिति कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ, मैंने यह हिस्सा चले कहाँ चलाएगा,
या हिस्सा आगे चला जाएगा, तो हवा ऐसी होगी कहाँ, दाएं घूम गई, आती यहाँ, लेकिन यह स्थान क्या होता है, आगे खिसक जाता है, हवा यहाँ न जाकर यह स्थिति यहाँ आ जाती है। पृथ्वी तो चल रही है ना, तो थोड़ी इंतजार करेगी कि भैया आप आइएगा तब हम चलेंगे साथ में, ये चल जाती है। तो मतलब देखिए, यहाँ से आनी चाहिए हवा इधर, लेकिन घूम जाती किधर, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने किधर घूम रही हैं, ताएं घूम जा रही हैं। ठीक इसके विपरीत आते हैं दक्षिण गोलार्ध में, देखते हैं हवाएं किधर चली थी, लेकिन किधर घूम जाएंगी, अब यह स्थिति कहाँ चली जाएगी, आगे बढ़ गई। इसे कहते हैं कोरियालिस बल। इसे समझने के लिए आदमी कई बहुत सारे लड़के हुए आज तक जो समझे नहीं आता कब हवा दाएं घूमती कब बाएं, यह कॉन्सेप्ट जिसको याद है वह तुरंत अपना कर लेगा। ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं और दक्षिण गोलार्ध में अपने हवाएं बाएं, सीधी बात देखिए पृथ्वी आगे चली गई, किधर जाएगी, ये देखिए इससे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी ये देखिए ये ईस्ट होता है माने पूरब, ये होता है वेस्ट माने पश्चिम, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, तभी तो सूर्योदय पूर्व में होता है, तो स्थिति आगे चली जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं, देखिए इधर से देखिए दाएं घूम रही है, और दक्षिण गोलार्ध अपने बाएं। ठीक समझ में आ गया, आगे लिखिए इस चित्र बना लीजिएगा डायग्राम, बिना डायग्राम समझ में नहीं आएगा। इसे कहते हैं कोरियालिस बल, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इसे साउथर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध है आपका। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा। बिना डायग्राम को समझ में नहीं आएगा, डायग्राम रहेगा देखते समझ में आ जाएगा तुरंत, और हमें लगता है आज के बाद दोबारा भूलेगा भी नहीं अगर आपको समझ में आ गया ये चीज, और आगे हवा पढ़नी होगी ये समझ। अभी इसका डायग्राम बनता है जब, तो हवा समझ में नहीं आता किसी को, बहुत कम लड़के ऐसे जिनको हवा एक बार में समझ में आ जाए, अगर ये चीज पढ़ते रहेंगे तो हवा एक बार में समझ में आ जाएगा। लिखेगा कोरियालिस बल का मान, कोरियालिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछा प्रश्न है, विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का मान शून्य होता है। विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ कोरियालिस बल का मान भी बढ़ता जाता है। तथा ध्रुवों पर इसका मान सर्वाधिक होता है। नीचे लिख लीजिएगा, वस्तुओं की गति बढ़ने के साथ साथ कोरियालिस बल का मान भी बढ़ता जाता है, वस्तुओं की कोरियालिस बल का मान भी वस्तुओं की गति बढ़ने के साथ साथ कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है। ठीक समझ में आ गया, चलो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगने वाला बढ़ता है, कोरियालिस बल का मान भी। ठीक कोरियालिस बल क्या, समझ में आया, समझ में आ गया ना, दाएं तरफ और बाएं तरफ, दाएं तरफ कब, दाएं तरफ, ठीक, जीरो डिग्री पर शून्य होता, इसलिए इसको कहते हैं डोल ड्रम पेटी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे,
शांत पेटी। भैया जब यहाँ हवा इधर जा रही ऊपर की सीधा उठेगी ऊपर, इसी को कहते हैं डोल ड्रम पेटी, शांत पेटी कहते हैं। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे डोल ड्रम क्या है, बस यहाँ समझते चलिएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, आगे पढ़ेंगे और मजा आएगा। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के लिए एक दिन नहीं, अगली हिंट डालेंगे अब परिक्रमण। अगली हिंट डालिएगा आप लोग परिक्रमण, रेगुलेशन। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में की गई गति, की गई गति परिक्रमण कहलाती है। यह गति तीन सौ पैंसठ दिन पांच घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में कोष्टक में लिखेगा, कोष्टक में 365 दिन 6 घंटा लगभग, इसी में लिखेगा कामा देके 365 सही 1/2, इसे कोष्टक में लिखेगा 365 सही 1/4 दिन, कोष्टक क्लोज। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, फिर कोष्टक में लिखेगा 365 दिन 6 घंटा कामा 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। ठीक, यह गति लगभग 1 वर्ष में पूरा करती है, इसलिए इसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति भी कहते हैं। नीचे एक पॉइंट और लिखेगा, एक पॉइंट लिख लीजिए, पहले सुन लीजिए क्या लिखेगा। हमने क्या लिखा, एक 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटा। एक बात यहाँ सीख लीजिएगा कि इसे हम कहते हैं 100 वर्ष। क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितना दिन होता है, तो बताएंगे 365 दिन। कितना दिन? 365 दिन। ठीक, और यही लगभग जो 6 घंटा है, चौथे वर्ष 6 × 12 = 36 चौथे दिन जो 366 दिन हो जाता, उसे एक अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में कितना होता है? 365 दिन। इसी को कहते हैं साधारण वर्ष। 100 वर्ष या साधारण वर्ष में 365 दिन, एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन। कैसे होता है समझ में आ गया, लेकिन वास्तव में कितना होता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। यही जोड़ के रखते हैं बचा हुआ साल 400वें वर्ष में, फिर एक दिन बढ़ाते हैं। 400वां वर्ष जो होता है फरवरी का 29 होता है, और अमित शाह जब आपको पढ़ाएंगे गणित का कैलेंडर रीजनिंग को पढ़ाएंगे, तो आपको ये बताएंगे कब ये कंडीशन ऐसी आती है। ठीक, आगे लिखा जाए, चलिए आगे लिखेगा। पृथ्वी अपनी वार्षिक गति पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए अपना परिक्रमण
अपना परिक्रमण 100 वर्ष में पूरा करती है। अपना परिक्रमण 100 वर्ष में पूरा करती है। ठीक, समझ में आ गया? नहीं आया? 100 वर्ष माने यही कॉन्सेप्ट, मैंने वही बता दिया। 100 वर्ष माने 365 दिन, लेकिन वैसे 365 दिन मैंने पूरा तोड़ के लिखवा दिया आपको, आपने लिख भी लिया। अब आगे बढ़े, अब लिखिएगा पृथ्वी के परिभ्रमण के प्रभाव, पृथ्वी के परिक्रमण का प्रभाव, परिक्रमण इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। पृथ्वी के वार्षिक गति, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण, अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, तथा ध्रुवों पर छह महीने की रात होती है। जिसके लिए पृथ्वी की परिक्रमा तथा अच्छी झुकाव जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। ठीक, अब इतना पढ़ लिए, अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो पूरा पढ़ेंगे पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो पहले इस चीज को हम लोग एक बार दोबारा समझ लेते हैं, जितना हम लोगों ने आज पढ़ा, जितना हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने अभी यहां से पढ़ते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति हो गया, दैनिक गति या वार्षिक गति, वार्षिक गति एक बार और समझ लेने का प्रयास कर लेते हैं, इसे पूरा साफ कर दें, एक बार इसको समझा दें आपको। वार्षिक गति क्या है? पृथ्वी द्वारा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा किया जाता है पश्चिम से पूर्व चलते हुए, जिसे हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। वैसे सौर वर्ष बराबर 365 दिन होता है, जिसे हम साधारण वर्ष भी कहते हैं, और एक वर्ष बराबर लगभग 365 दिन 6 घंटे, या सही 365/4 दिन होता है। तो यह हो गया आपका सूर्य, पृथ्वी जिसे घूम ही रहा, भी आपने कुछ देर पहले देखा ही था इस तरह से घूम रहा है। ठीक, किधर किधर घूमता है? पश्चिम से पूर्व, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर की तरफ घूमता है। ठीक, इस गति के कारण ही यहां पे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन से ही, इसके कारण, घूर्णन के कारण तथा इसके अच्छे झुकाव के कारण ही पृथ्वी पे हम देखेंगे ऋतु परिवर्तन होते हैं, और दोनों ध्रुवों पे 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कैसे होता है 6 महीने का दिन और कैसे होता है 6 महीने की रात। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं कि इस झुकाव के कारण हमने देखा मौसम परिवर्तन होते हैं, फिर एक बात और देखा, जो पृथ्वी का पूरा घूर्णन काल है वह कितना था, 365 दिन और 5 घंटा, बड़ा जल्दी याद हुआ, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक, जिसे लगभग हम कितना कहते हैं, 365 दिन 6 घंटे, जिसे और कहते हैं शॉर्टकट में 365/1/4। एक साधारण वर्ष या सौर वर्ष बराबर 365 दिन तथा एक लीप वर्ष या अधिवर्ष बराबर 300, यही 1/4 या 6 घंटा गुणे जब चौथे वर्ष में जाता है तो एक दिन, और जो ये सेकंड बचा है वो हमें सर बताएंगे ये सेकंड ले जाके कहाँ जोड़ते हैं। ठीक, हमी सर का काम है कि हम ही सब बता देंगे, तो वो मैथ और इंजीनियरिंग में आपको क्या बताएंगे। इस तरह आज यह भी टॉपिक आपका समापन, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन दोनों ध्रुव पे दिन और रात, जब दिन और रात होता है ध्रुव पे तो ध्रुव पे दिखाई कैसे देता है, जब रात होता है तो कैसे दिखाई देता है, और 6 महीने की रात मैंने कुंभकर्ण की तरह 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था, तो 6 महीने दिन 6 महीने रात होगी तो कैसे लोग रहते हैं,
ठीक, क्या क्या उनका, वो सब आगे पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, फिर और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षांत देशांतर, जबकि मैं पहले ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन अक्षांत देशांतर पढ़ेंगे, क्लास से रेगुलरिटी है इसलिए अक्षांत देशांतर पढ़ना जरूरी है, अन्यथा अक्षांत देशांतर की हमने वीडियो पहले ही डाल दी है, इसलिए अक्षांत देशांतर तो नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर भी प्रक्रम है, क्रम है, चल रहा है, चलने दीजिए। ठीक, कोई समस्या आप लोग को, कोई समस्या यहाँ तक नहीं आई है, आ गई है, नहीं आई है ना, चलिए अब आप लोग पढ़ लीजिएगा गणित इसके जस्ट बाद, हाँ जैसा भी हो आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, और ये आपके सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, ये सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसकी नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे, आपके लिए हितकर होगा, मेरे लिए हो ना हो आपके लिए जरूर हितकर होगा, इसलिए इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँच सके।